नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के बुक 1 चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के जो इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चंस हैं उनको सीखेंगे। और आज की क्लास के बाद आपको पता लग जाएगा कि मैप बनाना बहुत ही आसान काम है। यदि आप मैप में 5 में 5 नंबर स्कोर कर पाते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आपके फायदे की बात एक और बताता हूं मैं। हमने टेलीग्राम के ऊपर अपना एक ग्रुप बनाया है डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे मिल जाएगा। आप इस लिंक को यूज करते हुए यदि इस ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो हमारे वीडियो के साथ साथ दूसरी और भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वहां उपलब्ध कराई जाती है। यदि आप अभी जुड़ते हैं या बाद में जुड़ते हैं तब भी आप उसमें दिए हुए सारे स्टडी मटेरियल देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैप सीखने का सिलसिला। देखो बच्चों, मैप बनाना बहुत ही आसान है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसके लिए ये जो मैं 4 नियम आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल साधारण से नियम है, इनको आपको याद रखना है। कौन कौन से नियम है? सबसे पहला नियम ये है कि जिस घटना की बात की जा रही है उसका टाइटल क्या है या उसका टॉपिक क्या है, ये आप याद रखें, घटना का टाइटल या टॉपिक। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जिस घटना के बारे में ये मैप है उस घटना का किस स्थान के साथ संबंध है, यानी कि वो चीजें किसके साथ संबंधित है, किस स्थान के साथ संबंधित है। दो चीजें हो गई, एक घटना का टाइटल, दूसरा घटना से संबंधित स्थान आपको प्राप्त होना चाहिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जिस स्थान के बारे में मैप में पूछा गया है, जिस जगह के बारे में मैप को पूछा गया है, वो भारत के किस राज्य में है या फिर किसी दूसरे देश में है तो किस देश में है। और चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि भारत के मैप पर अगर किसी जगह को दिखाना है तो वो किस राज्य में है और उस राज्य का लोकेशन मैप के ऊपर कहां है। बहुत ही आसान है। अब देखिए, इसमें जो 2 पॉइंट ऊपर के हैं, घटना का टाइटल और उससे संबंधित स्थान, इसको बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में ही। और उसके बाद के जो 2 पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं कि स्थान का किस राज्य के साथ संबंध है और उस राज्य का लोकेशन भारत के मैप पर कहां है। अब ये चारों जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूं। ये देखिए, घटना का टाइटल, आपसे ये चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, इसके मैप सीख रहे हैं, तो यहां पर महाजनपद और शहर के बारे में है। तो टाइटल क्या हो गया? टाइटल हो गया महाजनपद। और किस महाजनपद के बारे में बात की जा रही है, यानी वो कौन सा स्थान है, तो उसका जवाब हो गया मगध। अब मगध कहां पर है? तो मगध यानी कि मगध यदि स्थान हो गया तो उसका राज्य कहां पे है, तो बिहार में है। और फिर मैप पर उस राज्य यानी कि बिहार का लोकेशन कहां है। तो अगर आप ये जो आउटलाइन मैप आपको मैंने बिहार का दिखाया है इसको आप देख लीजिए, ये उस स्टेट का मैप है जिस पे आपको मगध दिखाना है। और इसके ठीक ऊपर ये देखिए, ये भारत का मैप है, आप देख पा रहे हैं यहां पे, और भारत में ये जो लाल रंग का आप देख पा रहे हैं ये बिहार का लोकेशन है। बस ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। और ये आप देख सकते हैं, ये भी बिहार है और ये भी बिहार है। तो दोनों का अगर आप आउटलाइन देखिए तो आपको बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, घटना का टाइटल, संबंधित स्थान, उसका राज्य और उस राज्य का भारत के मैप के ऊपर लोकेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मैप
पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल है महाजनपद एवं शहर कि उस समय यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक कौन कौन से महाजनपद और इंपॉर्टेंट शहर थे। और ये मैप जो है वो आपको चैप्टर 2 में पेज नंबर 30 पे मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहां याद दिलाता चलता हूं कि इस चैप्टर से दो मैप हैं, एक पेज नंबर 30 पे और दूसरा पेज नंबर 33 पे। यहां हम पेज नंबर 30 पढ़ रहे हैं और 33 वाला मैप मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस मैप में कौन से इंपॉर्टेंट मैप हम मार्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्जी जो बिहार में है, मगध बिहार में है, राजगीर बिहार में है, कोसल उत्तर प्रदेश, कुरु उत्तर प्रदेश, पांचाल उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो तीन जगहें बिहार से और चार जगहें आपको उत्तर प्रदेश से मार्क करनी है। अवंती और उज्जैन ये दोनों मध्य प्रदेश में है तो दो जगहें आपको मध्य प्रदेश में मार्क करनी है। और गांधार जो कि अफगानिस्तान में है और तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग देश हैं। तो इन सारे मैप्स को हम सीखने की कोशिश करेंगे आज की रेट में। ये जो जगहें हैं और इनका जिन राज्यों के साथ संबंध है ये आपको याद करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बिहार में देखते हैं कौन कौन सी जगहें हैं। ये देखिए बिहार में तीन जगहें हमें दिखानी है, वज्जी, मगध और राजगीर। अब देखिए इनको याद करने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा ट्रिक आपके लिए बनाया है जिसको आप याद रखिए और बिहार के तीनों जगहों को आप मार्क कर पाएंगे। ट्रिक क्या है? बिवान मत रो, बिवान मत रो। इसमें बी का जो बा है ये बी फॉर बिहार यूज हुआ है और वान में जो पहला वा है उससे वज्जी बन गया और मत में से जो मा है उससे मगध बन गया और रो में से जो रा है उससे राजगीर बन गया। तो बस आपको सिर्फ ये याद रखना है, बिवान मत रो, बी फॉर बिहार, वान मने वज्जी, मा से मगध, रा से राजगीर। और नीचे ये जो मैप आप देख रहे हैं ये बिहार का आउटलाइन मैप है और ऐसा ही शेप, ऐसा ही रूप आकार आपको भारत के मैप पर दिखेगा तो बिहार को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब अगले मैप पे हम स्टार्ट करते हैं इन मैप को किस तरह से मार्क किया जाए और लोकेट किया जाए। चलिए आपको इस ब्लैंक मैप पे लगभग ऐसा ही मैप आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा और ये टाइटल है आप देख पा रहे हैं महाजनपद और शहर। और मैंने आपको बताया कि बिहार के तीन स्थानों को इस पर दिखाना है और ये जो आप देख रहे हैं ये आउटलाइन मैप जैसा कि पिछले आपको स्लाइड में मैंने दिखाया था ये जगह बिहार है। तो चलिए आपको अब इसी जगह पे कंसंट्रेट करना है और शुरू करते हैं आज का जादू। ये देखिए इस डॉट के ऊपर नजर डालिए जो ब्लिंक कर रहा है और ये क्या कह रहा है, अब देखिए ये शांत हो गया, ये बता रहा है मैं कौन हूं, पहचानिए। ये देखिए ये वज्जी है, बिहार के अंदर वज्जी है और वज्जी दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब सवाल है कि जो लाल डॉट देख रहे हैं वज्जी वो वहीं पे क्यों, कहीं और क्यों नहीं, तो इसको आपको वहीं मुझे लगाना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सवाल है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर मैं ये देखिए इस लाइन के ऊपर ये नेपाल है तो नेपाल इस बॉर्डर से ऊपर नेपाल और उसके नीचे ये बिहार। तो आप यहां देख सकते हैं ये लाइन ऐसे करके आया, ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आके ऐसे चला गया। तो जहां पर मैं ये आप थैली बन रहा है ये देखिए ये वाली थैली आप देख पा रहे हैं ये जो बन रहा है इसके ठीक नीचे ये वाला डॉट आपको लगाना है। आपको मैं एक बार करके दिखाऊं, ये देख लीजिए ये आपने देखा ये लाइन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां आया, फिर थोड़ा ऊपर जाकर के फिर थोड़ा नीचे आके यहां चला गया। ये एक चिड़िया उड़ती हुई सी आपको दिख रही है, बस उसके
पूंछ के नीचे, स्त्रिया की पूंछ के नीचे ये डॉट लगा देना है और ये हो गया आपका बजी। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए जो अब आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, ये जो आप डॉट ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं अब वो शांत हो चुका है और ये क्या कह रहा है, ये कौन सी जगह है, ये है मगध। मगध जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और आजकल इसे पटना कहते हैं जो बिहार की राजधानी है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मगध यहीं पे है, तो देखिए बहुत आसान है। ये वाला बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये वाला बॉर्डर जो आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार को अलग करता है। इस तरफ उत्तर प्रदेश है और इस तरफ बिहार है। तो यहां पर मैं आप देखिए एक यहां पर इस तरह से एक चोंच सा बन रहा है किसी पक्षी का। ये जो चोंच बन रहा है इस चोंच के ठीक सामने लगभग आप 5 मिलीमीटर चले जाइए और जहां वज्जी आपने मार्क किया था यहां उसके ठीक नीचे ये वाला पॉइंट लगा दीजिए और ये आपका मगध हो गया। इसको आप इस तरीके से फिर देख लीजिए एक बार। ये देखिए ये वाला यहां से ऐसे आया और इस तरफ चला गया और ये जो चिड़िया की चोंच बनी इसके सामने हम ये वाला डॉट डाल देंगे और ये हमारा मगध बन जाएगा। चलिए एक और जगह हम अपने को मार्क करनी है यहां पे और वो कौन सी जगह है, ये है वो जगह। और ये क्या सा है, ये जगह है, ये राजगीर है। ये जगह राजगीर है और राजगीर अब देख लीजिए यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे ऊपर वज्जी है, उसके नीचे ये मगध है और उसके नीचे ये राजगीर है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो सबसे पहले राजगीर, उसके बाद मगध और सबसे ऊपर नेपाल के बॉर्डर के जस्ट नीचे वज्जी आपको मिलता है। अब राजगीर को मार्क करना कितना आसान है, देखिए यहां से अगर हम इस तरफ दाहिने साइड में जाएं तो ये देखिए ये चिड़िया ऊपर उड़ती हुई नजर आ रही है आपको, इसके जस्ट नीचे ये जो चिड़िया का जो मुंह है इसके ठीक ऊपर यहां पर मैं ये डॉट डालिए और ये राजगीर है। एक बार इसको ढंग से फिर देख लीजिए, ये देख लीजिए ये उड़ी चिड़िया और जहां से ये चिड़िया उड़ी ठीक इसके ऊपर यहां पर ये पॉइंट डालिए और ये हो गया आपका राजगीर। तो इस तरह से बिहार में जो तीन जगह है वज्जी, मगध और राजगीर, ये हमने मार्क किया और ये बहुत ही आसान है मार्क करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये आप आउटलाइन मैप देखिए, आपको ये उरन तस्तरी की तरह लग रहा होगा। यही साइज, यही शेप, मुख्य रूप से आकार के ऊपर आप ध्यान दीजिए, यही आकार आपको भारत के मैप पर भी दिखेगा। और यहां आपको दो जगह मार्क करनी है मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी, एक अवंती और एक उज्जैन। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक हमने बनाया और ट्रिक क्या है, महाकाल अब उठेंगे। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है और पूरी दुनिया में फेमस मंदिर है महाकाल का, तो बस वहीं से हमने ये ट्रिक उठा लिया, महाकाल अब उठेंगे। महाकाल का जो ये मां है उससे बन गया मध्य प्रदेश, अब के अ से बन गया अवंती और उठेंगे के ऊ से बन गया उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में अवंती और उज्जैन है, ये याद रखने के लिए सिर्फ एक ट्रिक आपको याद रखना है, महाकाल अब उठेंगे। अब चलिए इसी ट्रिक को यूज करते हुए अगले मैप में हम इन दोनों को मैप पे दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहला ये जो ब्लिंक कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, ये देखिए ये अब बैठ गया, ये कौन सी जगह है, ये देख लीजिए ये अवंती है जो उस समय एक महाजनपद हुआ करता था। और अवंती को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मुझे अवंती यहीं पे डालना है और कहीं नहीं डालना, तो देखिए ये जो एक बॉर्डर इस तरफ यहां से आ रहा है और इसके बाद यहां से ये ऊपर की तरफ चला गया और यहां ये एक नीचे की तरफ आ गया, तो आप देख रहे हैं ये बाबा जी का एक कमंडल की तरह बन रहा है। बस इसको आपको याद रखना है, ये जो सीमा यहां से आके यहां बन रही है और फिर ऊपर और नीचे की तरफ चली जा रही है, तो इस सीमा से अंदर की तरफ यहां लगभग आपको 4 से 5 मिलीमीटर आना है और एक पॉइंट डाल देना है, बस ये अवंती हो गया। इसको बड़ा करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये देखिए
ये सीमा यहां से ऊपर से आई, यहां तक आई, इसके बाद इस तरफ नीचे चली गई और उस तरफ ये ऊपर की तरफ चली गई। तो ये जहां पर ये सीमा यहां खत्म हुई है उससे अंदर की तरफ आइए और आप एक बार फिर से यहां पॉइंट डाल दीजिए। एक बार इसको ध्यान से फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये जो सीमा यहां से आ रही है सीधे सीधे जहां पर खत्म हो रही है उसके ठीक सामने लगभग 4 से 5 मिलीमीटर पर आप पॉइंट डालिए और वो आपका अवंती है। तो फिर उज्जैन कहां है, ये देखिए उज्जैन आपके सामने ब्लिंक कर रहा है। ये देखिए, ये है उज्जैन। और उज्जैन को आसानी से कैसे मार्क करें, एक तो आप ये देख सकते हैं कि जहां आपने ये अवंती मार्क किया है वहां से बिल्कुल साउथ और ईस्ट की तरफ दक्षिण पूर्व की दिशा में ये आपको ठीक नीचे लगभग 2 मिलीमीटर अगर आप एक पॉइंट डाल दें तो ये आपको उज्जैन मिल जाता है। और भी आसान एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, ये यहां से इस तरफ गया, यहां नीचे आकर के और ये ऊपर चला गया, तो ये एक कलछी जैसी चीज बन गई। तो यहां पर मैं कलछी बननी शुरू होती है यहां इसके ठीक ऊपर, कलछी की ये डंडी हो गई, इस डंडी के ठीक ऊपर 2 मिलीमीटर ऊपर चले जाइए, यहां एक डॉट डाल दीजिए और ये डॉट आपका उज्जैन का हो गया। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी कलछी बन गई। कलछी जहां से मुड़ी है उसके ठीक पहले ये देखिए, यहां पर मैं ये जो लाइन बनी है ठीक इसके ऊपर 2 मिलीमीटर ऊपर हम चले गए और हमने वहां एक डॉट डाल दिया, ये उज्जैन होगी। तो अवंती और उज्जैन ये दोनों मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में। आप इसका शेप देखिए, ये एक हाथी की तरह दिख रहा है ना, ये हाथी की तरह दिख रहा है आपको। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें किन किन स्थानों को दिखाना है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको 4 जगहों को दिखाना है, वाराणसी, कुरु, कोसल और पांचाल। अब इन स्थानों को याद रखने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल ट्रिक बनाया है। ये देखिए, बट्टी का उल्टा पुल्टा किसको पसंद है। आपने जसपाल बट्टी जो एक फेमस कॉमेडियन थे उनका नाम जरूर सुना होगा, उन्हीं बट्टी साहब के नाम पे भट्टी का उल्टा पुल्टा एक प्रोग्राम आता था टीवी के ऊपर, किसको पसंद है। तो भट्टी का उल्टा पुल्टा किसको पसंद है, तो ये देखिए, भट्टी के वह से बन गया वाराणसी, का से बन गया कुरु, उल्टा पुल्टा से बन गया उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर और पू के पास से प्रदेश, और किसको के को से बन गया कोसल और पा से बन गया पांचाल। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में वाराणसी, कुरु, कोसल और पांचाल, ये जगहें आपको दिखानी है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, आप लोग स्कूल में तो पढ़ते ही हैं और साथ ही ट्यूशन में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अब आपको ट्यूशन पे पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर वेडनेसडे प्रत्येक बुधवार को प्रातः 10 बजे और हर संडे यानी कि रविवार को प्रातः 10 बजे एक लाइव क्लास दूंगा। हफ्ते में 2 दिन, बुधवार 10 बजे और संडे 10 बजे, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट सूचना थी आपके लिए। अब उत्तर प्रदेश के चारों जगहों को मार्क करते हैं इस ब्लैंक मैप के ऊपर। ये देखिए, ये आप उत्तर प्रदेश में कंसंट्रेट कीजिए, ये जादू चल रहा है, जादू शांत हो गया। कौन सा जगह है ये, पहचानिए इसको, ये जगह है कोसल, ये जगह है कोसल। अब कोसल को कैसे पहचाने, तो देखिए कोसल भी ये आप देख सकते हैं, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये नेपाल है। तो ये कोसल को हम कैसे पहचाने कि ये कोसल है यहां पे, तो एक तो बात ये हो गई कि उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर नेपाल के साथ लगता हुआ है उसके लगभग बीच बीच में ये कोसल है। यहां इस बॉर्डर को देखिए आप यहां पे, और दूसरा यहां इस बॉर्डर को देखिए, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके लगभग लगभग बीच में आइए और उसके नीचे एक पॉइंट डाल दीजिए, ये कोसल बन गया। दूसरा आसान ट्रिक आपको मैं बताता हूं, ये देखिए, ये जो बॉर्डर नेपाल का ऐसे करके नीचे आकर के यहां खत्म हो रहा है, वहां से आप दाहिने यानी कि राइट साइड में मुड़ जाइए और लगभग यहां से जहां ये
खत्म हो रहा है वहां से राइट साइड में अगर आप आते हैं लगभग 5 मिलीमीटर तक तो वहां रुक जाइए और उसके नीचे डॉट डाल दीजिए, ये आपका कौशल हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आया यहां खत्म हुआ और इसके बाद दाहिने मुड़ गया और ये देखिए जैसे ही यहां पर मैं रुका, जहां पर मैं आप देख पा रहे हैं वो लगभग लगभग आधी है, यहां से ये आधी है, यहां से इस तरफ आप बढ़ जाएंगे तो बस यहां जहां ये डॉट खत्म किया है मैंने ये वाली लाइन उसके ठीक नीचे पॉइंट डालिए और ये आपका कोसल है। एक बार और देख लीजिए इसको अच्छी तरह समझने के लिए, ये आया ये मुड़ा ये रुक जाओ भाई ये रुक गया रुक गया, जहां ये रुका है ठीक उसके नीचे ये डॉट डालिए और ये कोसल हो गया। चलिए दूसरा स्थान देखते हैं कौन सा है, ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है और ये बाबा विश्वनाथ का शहर है, अब आप पहचान गए होंगे ये वाराणसी है, बाबा विश्वनाथ का ये शहर है और वाराणसी को कैसे पहचाने, बहुत ही आसान है। ये देखिए पिछले वाले मैप में मैंने आपको दिखाया था, यहां से आप इस तरफ अगर जाते हैं तो इस तरफ वापस आते हैं तो ये वाला जो चिड़िया का चोंच बन रहा है इसके दाहिने तरफ बिहार में यहां मगध हुआ करता था, लेकिन इस चिड़िया के पीछे चले जाइए, उसके पूंछ की तरफ चले जाइए, लगभग 5 मिलीमीटर ही चले जाइए और आपको वाराणसी मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं फिर से, ये देखिए यही वाला तो चिड़िया हमने वहां भी बनाया था और इस चिड़िया के दाहिने साइड में यहां पर 5 मिलीमीटर लगभग दाहिने आकर के यहां मगध हमने बनाया था और ठीक इसके पूंछ की तरफ अगर हम चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो यहां एक डॉट डाल देते हैं और ये बन जाता है हमारा वाराणसी। तो कोसल और वाराणसी इस मैप पे हमने देखा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मैप देखते हैं। ये देखिए ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कुरु महाजनपद हुआ करता था और कुरु महाजनपद ये है, इसको हम आसानी से कैसे यहां मार्क कर पाए तो इसके लिए अगेन ये पिछले मैप में मैंने आपको दिखाया था, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये नेपाल का बॉर्डर आ रहा है, इसके इस तरफ उत्तराखंड है और इसके दाहिने साइड में ये नीचे उत्तर प्रदेश है। तो यहां से कोसल जब हमने मार्क किया तो दाहिने तरफ गए थे, कुरु हमें मार्क करना है तो इस लाइन से बाईं तरफ आपको जाना है, इस तरफ आपको जाना है और यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है आप इस डिस्टेंस को देखिए और लगभग लगभग इसके आधे के नीचे ये डॉट डाल दीजिए लगभग 3 मिलीमीटर पर और आपको ये कुरु मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप देखिए यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसके बीच बीच में हमने यहां नीचे एक पॉइंट डाला और ये कुरु बन गया। एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए आपको आसान हो जाएगा, ये यहां से हमने इस बॉर्डर से बाएं तरफ हम गए, यहां तक हमने एक लाइन खींची, जो खींची हुई ऑलरेडी हमने उसको अनुमान लगाया और उसके ठीक बीचों बीच नीचे ये पॉइंट डाल दिया और ये कुरु है। अब क्या बच गया, अब बच गया ये वाली जगह है और ये वाली जगह है पांचाल, जहां की राजकुमारी हुआ करती थी पांचाली यानी कि द्रौपदी, जिनकी शादी पांडवों के साथ हुई थी और ये जगह कौन सा है, पांचाल। ये देख लीजिए, अब एक तो ये है कि जहां कुरु हमने मार्क किया है उसके बिल्कुल साउथ ईस्ट की तरफ लगभग 2 मिलीमीटर नीचे आएंगे, ये वाला डिस्टेंस देखिए तो यहां पर पांचाल मिल जाएगा, एक ये तरीका है इसको मार्क करने का। और दूसरा तरीका है कि ये जो नेपाल का बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है यहां पर दाहिने साइड में और बाएं साइड में उत्तराखंड है ऊपर, तो यहां जहां पर में ये वाला लाइन खत्म होता है ठीक उसके नीचे 5 मिलीमीटर तक आइए, यहां एक डॉट डालिए और ये आपका पांचाल है। देखिए इसको एक बार फिर से, ये वाला डॉट यहां से शुरू हुआ ये लाइन, यहां आकर के ये खत्म हो गया और इसके ठीक नीचे हम यहां पर में आ गए, यहां एक पॉइंट डाला और ये पांचाल है। एक बार आप फिर इसको देख लीजिए, चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, यस रुक जाओ, ये देखिए रुक गया, यहां जहां ये रुका है उसके ठीक नीचे यहां पर पांचाल है। तो हमने उत्तर प्रदेश के चारों जगहों को देख लिया, अब चलते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये देखिए ये जो घोड़ा बना हुआ है ये पाकिस्तान है और उसके साइड में ये अफगानिस्तान है। तो चलिए यहां के कौन कौन सी जगह हैं, यहां की दो जगह हैं, एक तो आपको अफगानिस्तान में गंधार मार्क करना है और पाकिस्तान में
तक्षशिला मार्क करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लें इसके ट्रिक को कि किस तरह से हम याद रख सकते हैं कि गांधार अफगानिस्तान में है और तक्षशिला पाकिस्तान में है। अपने गांव का पता दो, बस ये याद रखना है आपको, अपने गांव का पता दो। तो अपने के आ से क्या बन गया? अफगानिस्तान। गांव के गा से क्या बन गया? गांधार। पा से पाकिस्तान बन गया और त से तक्षशिला बन गया। तो अपने गांव का पता दो, यदि आपने सिर्फ इतना याद रख लिया तो समझ लीजिए कि आपको पता लग गया कि अफगानिस्तान में गांधार और पाकिस्तान में तक्षशिला हमें मार्क करना है। तो चलिए मार्क करते हैं इस ब्लैंक मैप के ऊपर। अब आपको भारत के ऊपर नजर नहीं रखनी, अब आपको भारत के पड़ोसी राज्य, ये जो पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ये देखिए आपके सामने जादू शुरू हो रहा है। ये देखिए ये जो आपको डॉट ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये गांधार है, जहां से गांधारी राजकुमारी आई थी, जिनका विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। महाभारत में हमने ये चीज पढ़ी है। तो ये गांधार है, इसको हम कैसे मार्क करें? ये देखिए, यहां से अगर आप इस लाइन को पकड़ते हुए यहां से लेकर के नीचे यहां तक आइए तो आपको पता चलेगा कि एक कटोरे सी बन रही है। ये कटोरा बन रहा है, देखिए ये बॉल सा बन रहा है, और इस बॉल के लगभग बीच बीच में लगभग 2 मिलीमीटर आप ऊपर की तरफ जाइए और यहां एक पॉइंट डालिए और ये जगह क्या मिलेगा आपको? गांधार। चलिए इसको इस तरह से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर से शुरू हुआ यहां तक हम आए और यहां हमने ये जो कटोरा बना उसके ठीक बीच बीच में लगभग हमने 2 मिलीमीटर आगे एक पॉइंट डाल दिया जो गांधार का है। एक बार आप इसको और आसानी से देख लीजिए। चलो भाई शुरू हो जाओ। यस, रुक जाओ, रुक गया। ये देखिए, ये जो कटोरा बना ठीक इसके बीच बीच में ये डॉट डालना है और ये गांधार का है। अब अपना सारा ध्यान आप अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर लगाइए और वहां देखिए तक्षशिला आ रहा है। ये देखिए, ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये क्या है? ये तक्षशिला है, तक्षशिला। और तक्षशिला को हम कैसे मार्क करें ये देख लीजिए। ये जो आप जम्मू कश्मीर का ये बॉर्डर देख रहे हैं जिसके साथ पाकिस्तान लगा हुआ है, यहां से अगर आप शुरू करें तो यहां आप यहां से नीचे आइए और ये देखिए यहां एक इस तरफ यहां ये मुड़ा ये बॉर्डर, उसके बाद ये नीचे की तरफ चला गया। तो जहां ये बॉर्डर मुड़ रहा है वहां से ऊपर यदि हम 2 मिलीमीटर पर एक बिंदु डाल दें तो वो तक्षशिला बन जाएगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये हमने ऊपर से शुरू किया, ये यहां ऐसे आया, ये ऊपर की तरफ गया और एक चिड़िया उड़ना शुरू हो गई। बस चिड़िया के मुंह के ठीक ऊपर 2 मिलीमीटर पे एक पॉइंट डालिए और ये तक्षशिला है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये जो चिड़िया बनी है ठीक इसके ऊपर ये डॉट डालिए और ये तक्षशिला हो गया। तो आपसे गांधार पूछा जाए या तक्षशिला पूछा जाए तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तक्षशिला पाकिस्तान में है और गांधार अफगानिस्तान में है। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास आपको, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चलते चलते एक लाइक बटन भी दबा दीजिए। और याद रखिएगा, आपको संडे और वेडनेसडे को लाइव क्लास में देता रहूंगा ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह चलती रहे। ऑल द बेस्ट।